हमारा समाज बदल रहा है, लेकिन आज भी हर घर में एक बेटा चाहिए। आज भी बेटियों से ज्यादा बेटों का महत्व है, और शायद यही कटु सत्य भी है। नमस्कार, आप आईवी टीवी देख रहे हैं। मेरा नाम निशा ओझा है। बिहार की एक बेटी जिनका नाम रोहिणी आचार्य है, उन्होंने एक ऐसा त्याग किया है कि अब हर कोई बेटी चाह रहा है, अब हर कोई बेटी की सराहना कर रहा है। दरअसल लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने ऐसा काम किया है कि अब विपक्ष के नेता भी उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। उन्होंने विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं को भी अपना मुरीद बना दिया है। बता दें कि लालू प्रसाद यादव लंबे समय से किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे। इस बीच वो सिंगापुर भी गए थे, जहां उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने यह फैसला किया कि वो अपनी किडनी अपने पिता को दे देगी, जिसके बाद से लगातार बिहार में उनकी तारीफ हो रही है। कल बीते दिन यानी कि सोमवार को ये ऑपरेशन हुआ, और ये ऑपरेशन सफल साबित हुआ, जिसके बाद विपक्ष के तमाम बड़े नेता रोहिणी आचार्य की तारीफ कर रहे हैं, चाहे वो निशिकांत दुबे हो, गिरिराज सिंह हो, या फिर जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी हो। दीपा मांझी की बात इसलिए भी हो रही है क्योंकि दीपा मांझी अक्सर रोहिणी आचार्य से सोशल मीडिया पर तू तू मैं करती हुई नजर आती थी, लेकिन आज वो भी रोहिणी आचार्य की मुरीद हो गई है। और ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है, बहन रोहिणी आचार्य, आज मैं प्रण लेती हूँ कि तुम्हारे ऊपर कभी भी कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। आज तुमने भारतीय बेटियों का सर गर्व से ऊंचा किया है, वो इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। मैं बस इतना ही कहूंगी, जल्द स्वस्थ हो जाओ, वीर सुरमा अस्पताल के बेड पर अच्छे नहीं लगते। इसके साथ ही निशिकांत दुबे ने भी ट्वीट करते हुए लिखा, मुझे भगवान ने बेटी नहीं दी, आज रोहिणी आचार्य को देखकर सचमुच भगवान से लड़ने का दिल कर रहा है। मेरी नानी हमेशा कहती थी, बेटा से बेटी भली जो कुलवंती हो। इसके साथ ही बीजेपी के कद्दावर नेता गिरिराज सिंह ने भी रोहिणी की तारीफ की है, और उन्होंने कहा है कि रोहिणी पे आज गर्व हो रहा है और हर कोई रोहिणी पर गर्व कर रहा है। बता दें कि सोमवार को लालू प्रसाद यादव के किडनी ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया पूरी हो गई, ये ऑपरेशन सफल रहा। फिलहाल इस वक्त रोहिणी आचार्य और उनके पिता लालू प्रसाद यादव दोनों ही सिंगापुर के अस्पताल में हैं, जहां ऑपरेशन के बाद अभी फिर भी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। बहरहाल आप तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आईवी टीवी के साथ बने रहिए। अगर अब तक आपने हमारे पेज को लाइक नहीं किया है तो फेसबुक पर हमें लाइक करें, यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे नंबरों पर संपर्क।